देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद पंजाब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में हुई शामिल। कोरोना की चपेट में आई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। ड्रग केस में विक्रमजीत मजीठिया को मिली अंतरिम जमानत। एक्टर सिद्धार्थ ने साइना नेहवाल को लेकर किया विवादित ट्वीट, महिला आयोग ने लिया संज्ञान। शिखर पान मसाला पर डीजीजीआई का शिकंजा, कारोबार संभालने वाले दो लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने कमर कस ली है। इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों से फेक न्यूज शेयर नहीं करने और कोरोना की वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है और सभी राजनीतिक दलों से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए निर्देशित भी किया गया है। जनपद में जो सामान्य निर्वाचन 2022 है, उसकी अंतर्गत आदर्श आचार संहिता से लागू हो चुकी है। उसके जो सुसंगत प्रावधान हैं वो आज मीडिया ब्रीफिंग में भी विस्तार से बता दिए गए हैं और जो राजनीतिक दल हैं मान्यता प्राप्त और अन्य जो इम्पोर्टेंट जन समूह हैं उनको भी उसके बारे में विस्तार से छोटे छोटे ग्रुप्स में एजुकेट हम लोगों ने कर दिया है। ये आदर्श आचार संहिता के जो प्रावधान हैं इसको हम महामारी अधिनियम, DDMA एक्ट और IPC के अन्य प्रावधानों और RP एक्ट के प्रावधानों के साथ जोड़ करके एक ऐसा माहौल का सृजन जनपद में करना चाहते हैं जिसमें इस निर्वाचन के दौरान सभी राजनीतिक दलों को, प्रत्याशियों को, संभावित प्रत्याशियों को, पब्लिक को एक लेवल प्लेइंग फील्ड, सबके साथ समानता का व्यवहार हो, संसाधनों का उपयोग भी निष्पक्षता और समानता के रूप में ही किया जाए। अन्य प्रदेशों के पुलिस से जो है, जो हमारे सीमावर्ती हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के पुलिस से जो है हमारी वार्ता जो हो गई, मीटिंग ये पुलिस लाइन में की गई थी पिछले महीने, तो इसमें जो है हम लोगों ने हमारी सूची भेजी थी, उनकी सूची भी हम लोगों ने आदान प्रदान कर लिया है और साथ में जो है जिस दिन हमारे यहाँ पे जो नाके लगेंगे उस दूसरे साइड में उनके तरफ से नाके लगेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि पगडंडी और बाकी जो छोटे छोटे जो आप नालियाँ हैं या जो आपके नदी है जो कि एक छोटे से पगडंडी में जो तब्दील हो जाती है उन जगहों पे भी हम उसकी निगरानी रखेंगे और जहाँ तक के अवैध शराब की बात है वो उस पर जो हम लोग अंकुश लगाएंगे और साथ में जो है असले वगैरह की तब्दील कोई जानकारी नहीं है कि जो उस तरफ से आई है पूर्व में, तो इस पर हम लोग निगरानी, सतर्क निगरानी रखेंगे और हम लोग जो है इस पर जो इंटर स्टेट जो चेक पोस्ट है वो वगैरह सक्रिय करेंगे और साथ ही साथ जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड और अन्य जो टीमें हैं उसको सक्रिय करेंगे। कोविड की चुनौती के लिए ही जो हमारे जो जो बूथ हैं उनकी हमारी जो ऑक्सिलरी बूथ हैं उनको बढ़ाया जा रहा है कुछ बूथों को, साथ ही प्रत्येक जो हमारे बूथ होंगे वहां पर कोविड से रिलेटेड थर्मामीटर और हमारी जो मास्क, सैनिटाइज़र सभी की व्यवस्था होगी। साथ ही अगर यदि किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उनको जो मतदान के आखिरी घंटे हैं उसमें वो कराया जाएगा और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान कराया। अगली खबर सहारनपुर से है जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने अपने समर्थकों के बीच समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया। इस दौरान मसूद ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को एक ऐसी सरकार का गठन करना चाहिए जिससे प्रदेश विकास की तरफ बढ़े। आगे मसूद ने कहा कि वो पहले भी सपा में रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी जहां से कहेगी वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ ही सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मसूद अख्तर ने भी इमरान मसूद के साथ सपा ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। देखिए अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि इमरान भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं,
आज यहाँ जो 10 तारीख की मीटिंग बुलाई गई है वो आज कांग्रेस के वर्कर की हैसियत से बुलाई गई है और मैं भी कांग्रेस का वर्कर हूँ, सिपाही हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पर अपने सभी साथियों के साथ आया हूँ। जो निर्णय होगा उस पर बात होगा। कल भी कुछ निजी चैनलों पर एक इमरान मसूद साहब का बयान था, ये नहीं कहा गया है कि ज्वाइन कर ली है, ज्वाइन करने के लिए कहा गया है कि कल जो कार्यकर्ता है उनसे बात करके उसके बाद में फैसला लिया जाएगा, क्या कहेंगे सर? नहीं नहीं, अभी तक कोई ये निर्णय नहीं हुआ है कि किस पार्टी नहीं, अगर इमरान जी के साथ है। नहीं, इमरान भाई के हम साथ तो है ही है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर लड़ाई सीधे सपा और भाजपा के बीच में हो रही है और मैंने साथियों से मशवरा कर करके ये निर्णय लिया कि मैं अखिलेश जी से मिल करके उनको समर्थन का घोषणा करूंगा और उनके साथ शामिल होने का काम करूंगा। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा है आपको कांग्रेस ने बड़ा सम्मान दिया है उसके बाद भी आपने सभा को ज्वाइन किया? देखिए, मुझे कांग्रेस ने बेहद सम्मान दिया, मेरी नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने सबने हमें बहुत काम करने का मौका दिया, मैं उनका ऋणी रहूंगा, लेकिन प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के अंदर एक नए सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प नहीं और अखिलेश जी के विकल्प को ही हम लोगों ने स्वीकार करना है और सबको स्वीकार करना चाहिए। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहारनपुर संवाददाता सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सोहेल, आज इमरान मसूद ने एक बड़ा ऐलान किया जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सपा ज्वाइन करने की बात कही है, लेकिन इसी खबर के थोड़ी देर बाद उन पर FIR दर्ज हो गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल अनुष्का, मैं आपको बता दूं, ये 6 दिसंबर को जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के साथ जो है इनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें आज इन्होंने एक अपने आवास पर मीटिंग बुलाई थी और भारी संख्या में जो है इनके समर्थक वहां पर पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने जो है कांग्रेस छोड़कर सपा ज्वाइन करने की बात कही थी। लेकिन इसी के साथ जो है एक इसमें एक मोड़ और आया है कि यहाँ पर जो है इस समय चुनाव आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लग चुकी है और इसी के साथ साथ महामारी एक्ट, कोविड के लिए महामारी एक्ट भी यहाँ पर लागू है और इसी के लिए जो है यहाँ पर इन्होंने जो भीड़ एकत्रित की थी, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की गई थी, मास्क नहीं लगाए गए थे और इसी को लेकर जो है इन पर थाना कुतुब शहर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी अनुष्का, सोहेल, जिस तरह से आप आचार संहिता की बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल इमरान मसूद पर FIR दर्ज हो चुकी है, जहां एक तरफ आचार संहिता लागू हुई है, वहीं हर जिले में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर ये लागू करवाने के जो हैं वो नियम इस वक्त लागू हो चुके हैं और उनको निर्देशित किया गया है कि कड़ाई से आचार संहिता का पालन हो। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही किस तरह से देखते हैं? सैकड़ों की तादाद में लोग इमरान मसूद के आवास पर पहुंचते हैं और प्रशासन को कानो कान खबर भी नहीं होती। देखिए बिल्कुल, इसके अंदर अनुष्का आपने सही कहा कि प्रशासन की इसके अंदर एक दायित्व और जिम्मेदारी बैठती है, क्योंकि ये कोई अचानक बुलाई गई मीटिंग नहीं थी। वन डे बिफोर जो है इमरान मसूद ने इसका जो है घोषणा की थी कि वो अपने आवास पर एक मीटिंग बुलाएंगे और उसमें जो है सपा के अंदर वो जाने की घोषणा करेंगे। तो जहां तक है प्रशासन का तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हमें हमसे जो है प्रशासन से परमिशन नहीं ली गई थी, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है तो इसके अंदर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व जो है प्रशासन की परमिशन लेनी जरूरी है और इमरान मसूद ने अपने आवास पर जो भीड़ बुलाई थी, भीड़ जुटाई थी, उनके समर्थक वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने किसी तरह की प्रशासन से परमिशन नहीं ली थी, तो इसमें MCC का उल्लंघन माना गया और इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी उन्होंने किया है। तो इसी के तहत जो है SPCT ने बताया कि उसके खिलाफ PS जो है कुतुब शहर के अंदर मुकदमा दर्ज कराया गया है। जी जी अनुष्का, जी सोहेल, जिस तरह से FIR दर्ज हो चुकी है, वहीं जो वहां पर लोग मौजूद थे उनको लेकर प्रशासन के क्या कुछ रवैया है, क्या कुछ और बाकी की कार्रवाई होनी है? देखिए प्रशासन ने 10 लोगों को नामजद किया है और SHO कुतुब शहर ने 10 लोगों की नामजद तहरीर लिखवाकर जो है उन पर मुकदमा दर्ज किया है। बाकी जांच का विषय है, लोग तो वहां काफी सारे थे और काफी भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी, तो अभी देखना है कि प्रशासन आगे आगे क्या कार्रवाई करता है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सोहेल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहारनपुर से आपको खबर बता रहे थे, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर इमरान मसूद अब सपा में शामिल हो चुके हैं, वहीं इस ऐलान के दौरान उन्होंने कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन किया, साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया, जिसके बाद अब इमरान मसूद पर FIR दर्ज हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक को हासिल करने के लिए भगवान परशुराम के चरण में पहुंचे अखिलेश यादव द्वारा 8 दिन पहले भगवान परशुराम के मंदिर के आगे एक फरसा लगवाया गया था, वह आज टूट कर गिर गया। इसके नीचे गिरे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी के साथ वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते 2 जनवरी को ही लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे
महुरा कला गांव में भगवान परशुराम की मूर्ति और इसके फरसे का अनावरण किया था। वहीं फरसे के गिरने के टूटने के पीछे कई तरह की इस वक्त चर्चाएं भी चल रही है। कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि फरसे के बड़े आकार के चलते यह टूटकर गिरा है, वहीं कुछ लोग इसे तेज तूफानी हवाओं की वजह से गिरने की बात कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि भगवान परशुराम की मूर्ति का फरसा गिरने के मामले पर बीजेपी की ओर से भी सपा पर जोरदार हमला बोला गया। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर थाना सिविल लाइन में सिटी सेंटर मॉल में मॉल के सफाई कर्मी और गार्ड के बीच हुए झगड़े में गार्ड ने फायरिंग कर दी, जिसमें सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। सफाई कर्मचारी की मौत के बाद आरोपी गार्ड मौके से फरार हो गया, जिसके बाद भारी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने सिटी सेंटर मॉल पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और सफाई कर्मी के भाई की हत्या की सूचना मिलते ही मृतक के भाई ने पांचवी मंजिल से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसको स्थानीय लोगों ने फिलहाल बचा लिया है। वहीं बदायूं के कुमार गांव थाना क्षेत्र में 35 साल की महिला के साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महिला ने पांचों आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। पीड़िता की तहरीर के बाद पुलिस केस दर्ज करते हुए पांच लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कर ली है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लग गई है। थाना क्षेत्र कुंवर गांव में एक 35 वर्षीय महिला की तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनके साथ एक पूर्व परिचित युवक व उसके चार पांच अन्य साथियों ने मिलकर बलात्कार किया है। पीड़िता की तहरीर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और टीमें गठित कर उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई थाने स्तर पर की जा रही है। वहीं फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में बम निषेधक दस्ते को देखकर इलाज कराने आए लोगों और अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। दरअसल बम निरोधक दस्ता अस्पताल में रूटीन चेकिंग करने के लिए आया था, लेकिन ये चेकिंग 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर की जा रही थी। बता दें कि एक बार तो सभी लोग बम निरोध दस्ते को देखकर हैरत में पड़ गए कि आखिरकार अस्पताल में बम निरोधक दस्ता क्यों पहुंचा है, कहीं अस्पताल में कोई बम तो नहीं है। वही टीम ने बताया कि एक रूटीन चेकिंग है और चेकिंग तो आगे आने वाले 26 जनवरी को लेकर की जा रही है। सर बम निरोधक दस्ते से हैं, क्या चेक कर रहे हैं, कोई सूचना मिली थी क्या? सूचना नहीं सर, ये हमारा 26 जनवरी उपलक्ष्य में रूटीन चेक है। रूटीन चेक है, ठीक है। महोबा के आल्हा चौक चौराहे पर पिछले 37 दिनों से सत्यमेव जयते युवा सोच संगठन के युवाओं की तरफ से 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और अल्ट्रासाउंड व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने की मांग की जा रही थी। अपनी मांग को लेकर इस कड़कड़ाती ठंड में भी सत्यमेव जयते युवा सोच संगठन के अध्यक्ष विकास यादव और उनके साथियों की तरफ से अनिश्चितकालीन अनशन चल रहा है, लेकिन शासन और जनप्रतिनिधियों ने इस अनशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। आमजन हितों की मांगों को लेकर चल रहे अनशन के बावजूद भी इनकी सुध नहीं ली गई, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं की ओर से लगातार अनशन जारी रहा और युवाओं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। युवाओं के अनिश्चितकालीन अनशन को स्थगित कराने के लिए जिला अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता राजकुमार द्विवेदी और उनके साथ चंद्रशेखर स्वर्णकार पहुंचे हुए थे। लोगों को समझाते हुए अधिकारी ने अनशन को खत्म करा दिया है। मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने हमारे एक माह 7 दिन का जो अनशन चला इसको बखूबी कवरेज किया और अपने माध्यम से जितना अच्छा हो सकता था उन्होंने किया। आज मुझे बड़ा ही दुख और हृदय में बहुत ही पीड़ा है कि हम महोबा के नगर के लिए जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए और हमने इतने दिन तक अनशन किया। हमें उम्मीद थी कि शायद हो सकता है कि यहाँ की जनता जागरूक हो जाए, तो ऐसा भी नहीं हुआ, हमारे लोग उतने जागरूक नहीं हो पाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय
मौसम ठीक नहीं है, कड़ाके की सर्दी है, इनकी मांग जायज़ है और आचार संहिता लग गई है। इस तरीके से हम इनको समझा रहे हैं कि आप अपना अनशन स्थगित कर दें और आगे वाले समय में हम अधिवक्तागण इनका साथ देंगे और बड़े जोश के साथ इनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आज 37 दिन हो रहे हैं जो कि शासन ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और हम लगातार 2400 घंटे आला चौक में अनिश्चितकालीन अनशन किए रहे हैं। घर परिवार छोड़कर ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बरसात देखी और आम जनमानस के लिए एक ही आवाज़ उठाई कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। 200 बेड का ट्रामा सेंटर यहाँ बहुत ज़रूरी है। लाखों करोड़ों लोग बजट जाता है यहाँ से कबरई से, लेकिन इन सब ने हमारी बात ना सुनी। तो जब 37 दिन हो रहे हैं तो इसी बीच 36वें दिन आचार संहिता लग गई, शासन जो था वो ख़त्म हो चुका है। फिर शासन अब ये काम हमारा नहीं करा सकता है, लेकिन इस अनशन को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए टाल रहे हैं। अगली खबर फतेहपुर से है जहां पर हुसैनगंज थाने के वार्षिक निरीक्षण पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक। इस दौरान उन्होंने सरकारी संपत्ति और अभिलेखों की जांच की है, जबकि जांच से संतुष्ट अपर अधीक्षक दिखाई दिए हैं। इस दौरान उन्होंने चुनाव को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। वार्षिक निरीक्षण हम लोगों को करना होता है वर्ष की समाप्ति के पश्चात, उसी के क्रम में थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर का आज मेरे द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें जो सरकारी संपत्ति होती है उसका भौतिक सत्यापन किया जाता है। इसमें असलहे हैं और मालखाने में जो भी सामग्री होती है जैसे बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, कैश जो होता है, और उसके साथ साथ अभिलेखों का भी निरीक्षण किया जाता है। मेरे द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया है। मोर और लेस यहाँ की व्यवस्था ठीक है और कोई चीज़ मिसिंग नहीं पाई गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे फतेहपुर संवाददाता अमरदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अमरदीप, आज हुसैनगंज थाने का वार्षिक निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, मामला बिल्कुल सही है श्रीका जी। ये आज फतेहपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ने हुसैनगंज के थाने का औचक निरीक्षण किया है, यानी वार्षिक निरीक्षण किया है। और वार्षिक निरीक्षण के दौरान जब बातचीत की गई तो इन्होंने बताया कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान हमने जैसे असलहों का रखरखाव है या और जो संपत्तियां हैं, इसके अलावा साथ साथ जो और भी संपत्ति के साथ में जो जैसे हेलमेट है या डेड बॉडीज के कुछ कपड़े होते हैं, उस तरीकों का निरीक्षण किया गया है। कैश का भी निरीक्षण किया गया है। तो वहीं पर जो है, जब अपर जिला अपर जो है पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के बाद, उन्होंने वहां के निरीक्षण करने की के बाद जो सहमति जताई है रख रखाव के लिए जो वहां पर व्यवस्था की गई थी, उससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट हुए हैं। पर वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया कि जहां पर इस हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र में जहां पर बूथ में जहां मतदान होना है, उन बूथों के निरीक्षण करने की बात भी कही है। वहां पर भी एक सख्ती से शासन लागू करने की बात कही है। जो क्रिटिकल बूथ हैं उनमें खास तौर से उनका जो है जोर ये रहा है कि वहां पर पूरी तरीके से जो मतदान कराया जाएगा वो निष्पक्ष स्तर के साथ कराया जाएगा और उन्हीं की पूरी जानकारी के लिए आज ये उनका ये भ्रमण रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फतेहपुर से आपको खबर बता रहे थे जहां पर हुसैनगंज थाना क्षेत्र में आज वार्षिक निरीक्षण किया गया है, जहां पर निरीक्षण के लिए अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे हुए थे। वहीं देवरिया के एक मैरिज हॉल में स्वाग 2 के ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम में नृत्य, गायन और मॉडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ में की गई थी, जिसमें अनेकों कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य ममता यादव रही। वहीं प्रतियोगिता में भाग लिए बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी सौरभ श्रीवास्तव, केशरधर द्विवेदी और रोहित छाबड़िया मौजूद रहे।
वहीं मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मैनपुरी अशोक कुमार राय के निर्देशन में प्रभारी स्वॉट और थाना अध्यक्ष एलाओ की टीम ने मुठभेड़ में 10 अवैध तमंचा व भारी मात्रा में कारतूसों को जब्त कर लिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर चुनाव में दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक तस्कर को अवैध शस्त्रों का जखीरा जो था वो दिया गया था, जिसके बाद अब जखीरे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए तस्कर के पास से कुछ कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस ने कहा है कि आगे भी इसी प्रकार से शातिर अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। प्रकरण थाना एलाओ पुलिस का, एलाओ पुलिस को कल ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि एक व्यक्ति जो है अवैध शस्त्रों की सप्लाई का काम करता है। इस सूचना पर एलाओ पुलिस और सर्विलांस टीम, स्वाट टीम ने अपना चेकिंग लगाई, जिसके आधार पर एक हवन यादव पुत्र धीरेन्द्र यादव, ये ईसाई गोपालपुर का रहने वाला है, ये पकड़ा गया। पूछताछ में, तलाशी में ये 10 जो है तमंचे बरामद हुए हैं। इस पर थाना एलाओ पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के भड़रिया चौराहे के पर रोडवेज और कार के बीच भीषण भिड़ंत देखने को मिली है। इस टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए डुमरियागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं घटना को लेकर कहा जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग आवाज सुनकर इकट्ठे हो गए और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी कार से लोगों को किसी प्रकार से बाहर निकाला गया और बुरी तरह से घायल हुए लोगों को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद से सरकारी बस का ड्राइवर, कंडक्टर दोनों बस छोड़कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। भड़रिया में एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग यहां आए थे, 3 की हालत थोड़ा क्रिटिकल है, उनको इलाज करके जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है। 1 ठीक ठाक है और बाकी 3 की हालत थोड़ा सा ज्यादा चोटिल है, हेड इंजरी है। सिद्धार्थनगर में आज एक सरकारी बस और कार के बीच भीषण भिड़ंत देखने को मिली है। आपको बता दें कि इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको डुमरियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि ये जो टक्कर है एक सरकारी बस और कार के बीच में हुई है। वहीं कार सवार जो लोग थे वो एक ही परिवार के बताए जा रहे थे। वहीं सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि मौके से जो सरकारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर जो थे वो बस को छोड़कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल जारी है। वहीं सिद्धार्थनगर में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर शोहरतगंज चौकी में एक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान इंडो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान पुलिस ने बॉर्डर से आने जाने वाले व्यक्तियों के चेकिंग की है। आपको बता दें कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर ये पूरी सघन चेकिंग और तलाशी जारी है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र में इब्राहिम बाग मोहल्ले में उन्नाव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी के दौरान शहर के बाहर एक मकान में अवैध शराब बरामद की है, जहां पर स्प्रिट के साथ अवैध शराब बरामद की गई है। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो उन्नाव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर इब्राहिम बाग मोहल्ले में कार्रवाई करते हुए एक मकान से अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि स्पिरिट के साथ अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं मौके से 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में पुलिस की तरफ से एक ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे उन्नाव संवाददाता चैतन्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चैतन्य, आज इब्राहिम बाग मोहल्ले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की सख्ती के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके बाद जो है पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और आबकारी टीम भी एक्टिव है।
दोनों लोगों की संयुक्त कार्रवाई में आज 20,000 लीटर शराब बरामद हुई है, जिसकी कॉस्ट 20 लाख बताई जा रही है। ये एक बड़ी कार्रवाई आज जनपद उन्नाव की बताई जा रही है। वहीं एसपी उन्नाव का साफ तौर पे कहना है कि अब नकली शराब के ऊपर पूरी तरीके से नकेल कसी जाएगी, किसी भी तरीके की अगर ऐसी कोई भी आगे सूचना या जानकारी मिलती है तो लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उन्नाव से खबर सामने आई है जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चुनाव से पहले पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। चुनाव नजदीक आ चुका है, ऐसे में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है और पुलिस को भी निर्देशित कर दिया गया है कि सभी जिलों में मुस्तैदी दिखाई जाए। इसी कड़ी में उन्नाव पुलिस की तरफ से आज एक बड़ी कार्रवाई की गई, जिस दौरान पुलिस ने अवैध शराब पर भारी कार्रवाई करते हुए एक मकान से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। वहीं बढ़ते हैं हमारी अगली रिपोर्ट की तरफ। महामारी जब जब आई है अपने साथ दर्द भी लाई है। कोरोना ये वो नाम है जिसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। रोते बिलखते चेहरे, लाशों की कतारें, अंतिम संस्कार के लिए लाइन में खड़े लोग, चेहरे पर झलकता डर और दर्द, एम्बुलेंस की कान में चुपती आवाजें, घरों में कैद करने वाला लॉकडाउन, क्या कुछ नहीं दिखाया इस कोरोना ने। अब देश में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है, जिससे चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश भी अब अछूता नहीं रहा है। कोरोना लगातार अपने अलग अलग वेरिएंट से कहर बरपा रहा है, तो वहीं अब नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है। सूबे की सरकार भी खासा सक्रिय इस पूरे मामले पर दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। देश के तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है। यहाँ हर दिन मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब यहां सक्रिय मामलों की संख्या 7,000 का आंकड़ा पार कर गई है। वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चला है कि प्रदेश में सक्रिय मामले 25,974 हो गए हैं। वहीं एक नए मामले यानी 24 घंटे में उसी दर से दोगुने हो गए हैं। यूपी में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। उत्तर प्रदेश में 7,695 नए कोरोना मरीज। गाजियाबाद में 922 कोरोना मरीज मिले। नोएडा में 1,149 नए मामले सामने आए। लखनऊ में 1,115 नए मामले मिले। मेरठ में 715 कोरोना मरीज मिले। वाराणसी में 437 कोरोना संक्रमित। 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। 32% से ज्यादा किशोरों का हुआ वैक्सीनेशन। वहीं प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी खासा चिंतित हैं। कोरोना के मरीजों की लगातार संख्या में इजाफा होता देख सीएम योगी ने पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत बच्चों और किशोरों को महामारी से बचाने के लिए कक्षा 10 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में 16 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस अवधि में उनका टीकाकरण जारी रहेगा। योगी सरकार ने सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग भी अनिवार्य कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पिछले हफ्ते से भारत में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और अब तक लगभग एक तिहाई किशोरों को वैक्सीनेशन की एक डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 15 से 18 साल के बीच के किशोरों की संख्या 7.40 करोड़ है, जबकि कोविन पोर्टल के मुताबिक देश में आज सुबह तक 2.38 करोड़ यानी 32% से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यानी 15 से 18 के हर 10 में से 3 वयस्कों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है।
जबकि किशोरों के वैक्सीनेशन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। यहां अब तक 24 लाख से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना के दिए पुराने जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि अब फिर से कोरोना की दस्तक ने चिंता और डर का माहौल पनपा दिया है। न जाने कितने लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई, न जाने कितने लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। अब फिर से कोरोना का बढ़ता दायरा बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। संक्रमण कहीं ना कहीं अब अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप सभी से प्राइम टीवी की अपील है कि आप सब लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।